फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी बज चुके हैं दिन के 12 और आज का ब्लॉग है कुछ इंटरेस्टिंग और मज़ेदार, दक्ष के साथ थोड़ी सी मस्ती। और आज मैं बनाने वाली हूँ चटपटा और कुछ मज़ेदार पहाड़ी डिश, जिसको देख के आप सभी के मुंह में पानी आ जाएगा। तो मैं बनाने वाली हूँ आज ये चूक, हमारे पहाड़ की सबसे फेमस रसीली चटपटी मीठी खट्टी पहाड़ की फ्रूट डिश। तो दक्ष को बहुत ज़्यादा पसंद है चूक, और अभी मैं करूंगी दक्ष के साथ कुछ मस्ती। तो चलते हैं दक्ष के साथ मस्ती करने। दक्षू, क्या कर रहे? चूक नहीं बना रही बेटा, मैं तो नहीं बनाती चूक। नहीं, तब तो फिर तीता हो जाएगा। खाना बनाती हो आज? चूक रहने देते हैं। हाँ, चूक बनाने तब तक तीता हो जाएगा, फिर कैसे खाएंगे? खाना बनाते हैं आज। ना ना, चूर बनाना पड़ेगा, कल बना लेंगे ना। नहीं तो कल तो मैं स्कूल जाऊँगी। स्कूल से आके तो दिन में थोड़ी खाते, थोड़ी देर। कल बनाएंगे कह रहे ना? नहीं, आज ही खाएंगे, कल खाएंगे खाना। वाली धनिया आज तो बहुत लेट हो गया ना बेटा। वाली धनिया इसमें डाल दो, डाल दो बीच बीच में, थोड़ा राई वाली में, थोड़ा इसमें थोड़ी सी डिग्री रहे। गुस्सा हो गया तुम? गुस्सा हो गया? फेस दिखा अपना, दिखा ना, यहाँ दिखाया ऊपर। चलो आज ही बनाते हैं, ठीक है? खाना कैंसिल, चूप बनेगा आज। खुश? किट्टू भी खाने वाली है। किट्टू भी, दक्ष और उसके पापा खा रहे हैं धूप में मूंगफली। तो मैं बनाती हूँ चूक अभी। ये देखो, एक प्लेट मूंगफली आधी तो चट हो चुकी है अभी। रेवड़ी भी खा दी है सब। ये 3 पैकेट लिए थे और एक ही बची है अभी। खाना नहीं बनाओ फिर? चूक ही बनाओ। खाना हमारा कैंसिल दिन का। तो फ्रेंड्स, दक्ष को चिढ़ाने में ना बड़ा मजा आता है मुझे। अभी दक्ष क्या लाया? बिछाओ फिर इसको जमीन में। वेरी गुड, देखो दक्ष कितना काम करते हैं। किट्टू ने भी मेरी हेल्प की। ये देखो, देखो किट्टू भी। वेरी गुड, मेरे दोनों बच्चे इतने होशियार। ये वेरी गुड, सारा लेके आना। हाँ, अंदर का बिछाने वाला। हाँ, और क्या है? फुटमेंट भी होगा, वॉश बेसिन वाला। हाँ, इसको यहाँ पे बिछा देना और किचन का भी लेके आना, ठीक है? शाबाश। दक्ष ने आज नहाया नहीं? नहीं। कितने दिन हो गए नहीं नहाए हुए? दो नहीं, एक हफ्ता हो गया शायद। नहीं तो 3। संडे को नहाया था? हाँ। बाप रे, आज कितने दिन हुए? आज वेडनेसडे। तो दक्ष नहाने के लिए कल अब ठीक, बहुत आलसी है दक्ष, नहाने के लिए सबसे ज्यादा डरता है ठंडियों में। तो फ्रेंड्स, मेरा भान भूल चुका है। गर्मियों में होता है? गर्मियों में होता है आज की मजा। सर्दियों में तो बहुत परेशानी होती है, गर्मियों में रोज नहाता हूँ मैं। मैंने तो नहीं देखा कभी रोज नहाते हुए। अरे उतना गर्मियों में नहाता हूँ, सर्दियों में नहीं नहाता। तो सर्दियों में भी तो रोज ही नहाना चाहिए ना। सर्दियों में तो बहुत ठंडा होता है। मुझको गर्मी अच्छी लगती है, मुझको सर्दी अच्छी नहीं लगती है।
तो सबको पता है ना, सर्दी तो सभी को गंदी लगती है और गर्मी सबको पसंद है, पहाड़ की गर्मी ना, क्योंकि गर्मियों में हम आइसक्रीम खाते हैं, जूस पीते हैं। मैंने कभी गन्ने वाला जूस नहीं पिया, पता नहीं कब पीऊंगा। अब लेके आएंगे, फिर पापा से बोलना मेरे लिए गन्ने का जूस लाओ। वैसे भी गन्ने का जूस तो सर्दियों में ही पीते हैं। सर्दियों में क्यों पीते हैं? क्योंकि गन्ने तो सर्दियों में ही आते हैं। अच्छा, पता है मतलब दक्षिण को ना। भांग मेरा भुन चुका है, अब मैं पीसती हूँ नमक भांग वाला। ये देखिए हमारा चूक बनना शुरू हो चुका है। ये है शहद और भांग का नमक, चीनी, हरा नमक, है ना दक्ष? दक्ष की तो अभी से मुंह में पानी आना शुरू हो चुका है। मेरा तो अभी खाने का मन कर रहा है। छी, हाथ नहीं लगाती इसे। बनने तो दो पहले। संतरा भी डाल रही हो? डालूं क्या? माल्टा डालो। ठीक, संतरा तो खाएंगे हम, नहीं तो खत्म ही होने वाले, लास्ट पीस है। ये देखो हमारा चूक बन चुका है। दक्ष कटोरी लाओ। किस किस के मुंह में पानी आया फ्रेंड्स, जरूर बताना चूक को देख के। दक्ष ने चूक खा लिया है, कैसा हुआ था? अच्छा था। मूड ऑफ क्यों गया फिर? चूक खा के तो मजा आना चाहिए। क्या हुआ दक्ष? नया बैंडेज डालो। कितने गंदे बाल बनाए देख तो ये। नया बैंडेज डालो। आहा, टोपी पहन के सब बिगाड़ दिए बाल। छोड़ो ना, हाँ छोड़, मैं बना तो रही हूँ। सुबह उठ के खुद से कंघे नहीं कर सकते अपने बालों में, उंगली खराब हो जाते हैं। पापा बुला रहे। तो फ्रेंड्स आज चूक खा के बहुत मजा आया, इस सीजन का पहला चूक खाया हमने। तो अभी मेरे हस्बैंड चले गए हैं खेत में गुड़ाई करने और मैं भी जाऊंगी अब उधर ही। तो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल कुछ नया इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तो बने रहिए मेरे चैनल पर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एंड बाय।